नमस्कार, मैं रजत हूं और आप ललन टॉप देख रहे हैं। दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुए दंगों के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो कोमल नाम के शख्स का है। इस वीडियो में कोमल आपत्तिजनक बातें बोल रहा है और कुछ लोग पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। ये वीडियो 24 फरवरी को भजनपुरा की मजार के पास की चौड़ी सड़क पर बनाया गया था। 26 फरवरी को भड़काऊ वीडियो बनाने वाला कोमल चांदबाग इलाके में था। वहां कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया, लेकिन बिना कोई चोट पहुंचाए पुलिस के सुपुर्द कर दिया। ये हमारे हिंदू भाई है, भाई लोग के लिए ये देखो, हमारे साथ पुलिस भी है। जय श्री राम। ओ पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। जय श्री राम। ओ हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, तो भगा के ही छोड़ेंगे। जय श्री राम। हम भी भैया इनके साथ लड़ते लड़ते थक चुके हैं पूरे 7 घंटे से सुबह से ही। की देंगे हम। ये देखो गाड़ियां और टंकियां भी फूंक दिए यहाँ दिल्ली भजनपुरा के। ए देखो आजिल की देंगे हम लोग। जानिए पूरा मामला क्या है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में 23 से 25 फरवरी की शाम तक दंगे हुए। 25 फरवरी की देर शाम तक हालात सुधरने लगे। 26 फरवरी की शाम वायरल वीडियो में दिख रहा कोमल भजनपुरा से कुछ 100 मीटर दूर चांदबाग इलाके में पहुंचा। वीडियो वायरल हुआ था, इसलिए स्थानीय लोगों ने कोमल को पहचान लिया। लोग गुस्से में थे, कोमल को पीटने पर उतारू थे, लेकिन चांदबाग में रहने वाले कुछ नौजवानों ने कोमल को भीड़ से बचा लिया। बचाने वालों में से एक परवेज ने हमें बताया, ये बंदा शाम 6 बजे के आसपास चांदबाग आया था। इसका वीडियो वायरल हुआ था, इसलिए लोग पहचानते थे, कहीं ये कोई और हुड़दंग ना कर दे, इसलिए पहले ही से पकड़ लिया गया। कोमल को पकड़ने वालों का दावा है कि उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। वायरल हो रहे वीडियो में सुनाई दे रहा है, देख ले, हमने अपनी जान पर खेलकर तुझे सेफ करा है, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है। कोमल से इस वीडियो में पूछा जाता है कि क्या वायरल वीडियो आपका ही था। कोमल हाँ में जवाब देता है। देख ले, हमने अपनी जान पे खेल के भाई से सेफ करा है, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है भाई। भाई ये वो शख्स है जो कल आप परसों आपने देखा होगा कि इन्होंने बहुत सारी दुकानों में आग लगाई, मजारों को नुकसान पहुंचाया, हुड़दंग मचाया, उसके बावजूद हमने इनको कुछ नहीं किया है, अपनी जान पे खेल के इनको बचाकर लाए हैं, आप देख सकते हो। और इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो आपका ही था जय श्री राम का नारे लगाते हुए जो लोगों को बुला रहे हो आप, तो ये जो है ये देखिए, हम लोगों ने ये मैं आपको दिखा देता हूँ, हम लोगों ने जो है अपनी जान पे खेल के इन सबको बचाया है। ये सारे भाई जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम सब भाई हैं और हमने बचाया है इनको, और पुलिस आ चुकी है, अब पुलिस को हम इन पुलिस के हवाले कर देंगे। और हम चाहते तो इनको मारते, लेकिन हमारी इंसानियत ये है कि हमने उंगली भी नहीं लगाई, जान पे खेल के हमने इनको बचाया। हाँ, हमने सही सलामत देंगे, ये भी वीडियो बनाएंगे। कोमल को पकड़ने वाले अब्दुल ने हमें बताया, इसे बचाने के बाद हमने किसी को इसे छूने नहीं दिया। दयालपुर थाने में बताया, वहां से 8-10 पुलिसकर्मी और 50-60 पैरामिलिट्री वाले आए और इसे ले गए। अब्दुल का एक और दावा है। अब्दुल ने कहा, पुलिस के पास जाते ही कोमल ने आपत्तिजनक बात कही, वो चेतावनी देता हुआ गया, बोलता कि पुलिस आ गई है, अब तो मैं फ्री हूं। अब्दुल, परवेज और उनके अलावा कई और लोगों को इस बात पर शक था कि पुलिस ने कोमल पर ना FIR की होगी, ना वो जेल में होगा। हमने इस घटनाक्रम की पुष्टि के लिए पुलिस से संपर्क किया। SHO दयालपुर थाना से कई बार फोन पर संपर्क करने के बाद भी उन्होंने कोमल के बारे में पुष्टि नहीं की। मामले की पुष्टि के लिए ललन टॉप के रिपोर्टर विपिन,
दयालपुर थाना पहुंचे। विपिन की मुलाकात वायरल वीडियो में दिख रहे कोमल से हुई। कोमल ने बताया कि वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के लोनी का रहने वाला है। कोमल ने लल्लन टॉप से स्वीकारा कि 24 फरवरी को हुई हिंसा के दौरान उसने भड़काऊ बातें बोली हैं और 26 फरवरी की शाम उसे चांदबाग के कुछ नौजवानों ने भीड़ से बचाकर सुरक्षित पुलिस के हवाले किया था। रिपोर्टर विपिन ने जब पुलिस से कोमल पर हुई कार्रवाई के बारे में जानना चाहा तो पुलिस ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों का कहना है कि उन्हें फिलहाल जानकारी साझा करने के आदेश नहीं है। भजनपुरा की मजार के पास की सड़क पर आपत्तिजनक बातें कहता दिखा शख्स कोमल अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसे चांदबाग के कुछ नौजवानों ने भीड़ से बचाकर पुलिस के हवाले कर दिया था। दिल्ली दंगों में 28 फरवरी की शाम 6 बजे तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। 123 FIR दर्ज की गई हैं और 630 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस मामले में और पूरे दिल्ली में हो रहे दंगों के बारे में लगातार ललन टॉप आप तक जानकारियां पहुंचा रहा है। जो भी नई जानकारी होगी इस मामले में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए thelalantop.com। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।